श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 15 अक्टूबर कार्तिक मास के इस रविवार के दिन, साथ ही में रविवार के दिन कार्तिक मास की सप्तमी तिथि भी है। और इस सप्तमी तिथि के दिन अगर आप महादेव के परिवार को और साथ ही में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को आपको यह छोटा सा उपाय करना है। इसकी महत्वता पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पिछले वर्ष चल रही अपनी कथा के दौरान बताई थी। पहले आप इस उपाय को पूरे विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही इस उपाय को आप करिएगा। तो आइए जानते हैं आपको यह उपाय कैसे और किस समय करना है। प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और उसके अंदर आपको 21 काले तिल के दाने डालने हैं। साथ ही में उसके अंदर एक आप सफेद पुष्प भी अवश्य डाल दीजिएगा। और यह लोटा लेकर आप किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में पहुंच जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 101 बार जप करिएगा। उसके बाद जो शुद्ध लोटा जल जिसमें आपने 21 काले तिल के दाने एवं सफेद पुष्प डाला है, लेकर अपने दाहिने हाथ से बिल्कुल पतली धार से शिव को यह जल अर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपको यह पूरा उपाय करना है। इस उपाय के करने के बाद आपको क्या करना होगा कि प्रदोष काल के वक्त यानी कि शाम के समय अपने घर में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक भगवान विष्णु के नाम का लगाना है। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 मास की निंद्रा के बाद इस मास में जागृत हुए थे, तो इस बात का भी हमें अवश्य ध्यान रखना है। और इस कार्तिक मास में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो बताए गए उपाय है वह पूरी विधिवत रूप से हम करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुँच चुकी होगी। रविवार के दिन सप्तमी तिथि को आप यह उपाय अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।